इस पूरे मामले में झोल पे झोल नजर आ रहे ना तहसीन पूनावाला जी, और पूरा का पूरा विपक्ष एक सटल सी लाइन लेकर चल रहा है। कब पूछा जाएगा सवाल कि संदीप घोष को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही थी, या संदीप घोष किसका आदमी है? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। और अगर संदीप घोष जी किसी का भी आदमी है तो अब तो जांच, वर्तमान जांच सीबीआई कर रही है, वो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करती? वो करे कार्रवाई, कौन कौन मना किया है? अगर संदीप घोष को पिछले 6 दिन में 60 घंटे या 70 घंटे इन्होंने पूछताछ की, अरेस्ट करते, उसको जेल में डालकर उसको उस पर पुलिस रिमांड ले लेती सीबीआई, क्यों नहीं ली? नहीं तहसीन जी, वो इतना शातिर है ना, बार बार बयान बदल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट, एक मिनट तहसीन जी, जो ऑफिशियल बातें आपको बता देती हूँ, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने की बात चल रही है, लेकिन देखिए ना, बंगाल पुलिस अब उसे पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, तो पूछा तो जाएगा ना कि भाई बताइए ना, क्यों बचाया जा रहा है संदीप घोष को? मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अरेस्टेड हुआ, जो 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 अक्यूज था, जिसको कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद सीबीआई ने कितने लोगों को अरेस्ट किया? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, शून्य। सीबीआई की जांच क्या चल रही? वो इतना शातिर है कि वो सीबीआई को मात दे रहा है। तो जिस व्यक्ति को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया, जो कोलकाता पुलिस ने केस सॉल्व किया, सीबीआई क्या कर रही है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। कोलकाता पुलिस को आप क्लीन चिट दे रहे हैं बिल्कुल तहसीन जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक अक्यूज को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद सीबीआई, जो हमारी प्रीमियर एजेंसी, किसी को अक्यूज नहीं कर पाए, हम दोनों सेम पेज पे। प्रिंसिपल अगर वो दोषी है, और मैं मानता हूं दोषी है, यहाँ पे टीएमसी के जो नेता है वो भी कह रहे हो पूरी तरह से दोषी है, तो उसको सीबीआई क्यों नहीं पकड़ रही? अगर वो बार बार अपने बयान बदल रहा है तो सीबीआई क्या कर रही? सीबीआई को आता नहीं कैसे पकड़ना? मैं ये कह रहा हूँ, आज 6 से 7 दिन हो गया इस केस को सीबीआई के पास गए, सीबीआई ने क्या क्रैक किया इस केस में? मैं ये कह रहा हूँ कोलकाता पुलिस तो बुरी थी, लेकिन कम से कम उन्होंने अरेस्ट तो किया। सीबीआई को लेकर आपके सवाल हो सकते हैं, आपके जहन में बहुत सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप ये तो बताइए ना, जिस केस में 3 घंटे माँ बाप को बाहर बैठा कर रखते हैं, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, पुलिस की होती है, वो लूप होल्स नजर नहीं आते आपको कि सबूत मिटा दिए गए, छेड़खानी की गई? बिल्कुल आते हैं, तो पूछेंगे नहीं क्या सवाल? ममता सरकार जो अभी चुप बैठी हुई नजर आ रही है, या जिनके नेता बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं एक्स पोस्ट पर आकर ये बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ बेटी के साथ, उनको तो हिदायत कम से कम दीजिएगा ना आप लोग। बिल्कुल देनी चाहिए, और मैं कहता हूँ इन नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखो, आज शो पर राधिका है, राधिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी प्रवक्ता है बीजेपी की, एक जमाने में वो मेरे साइड पर थी, बीजेपी की बेस्ट प्रवक्ताओं में से मैं मानता हूँ, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करती है, हालांकि हम अलग साइड पे, लेकिन बीजेपी की दूसरी प्रवक्ता है टीवी चैनल्स पे आते, जिस तरह का अनाप शनाप और झूठ फैलाया, मैं उनके प्रवक्ताओं की, ऑफिशियल प्रवक्ताओं की बात किया, उनका कल खंडन हुआ, न्यूट्रल लॉयर्स, न्यूट्रल लोग जो आपके शोज पे वो कह रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? चलिए सर, झूठ सच वाले फेर में नहीं जाती हूँ, रुकिए, मैं राधिका खेरा जी से आपके सवाल का जवाब दूंगी। आप ही बोलेगा तहसीन जी, आप ही बोलेगा, मैं लौट कर आपको मुद्दे पर ले आती हूँ। ये संदीप घोष पर जो 1000 पन्ने की रिपोर्ट थी, एक ही लाइन बोलिएगा ना, ये जो 1000 पन्ने की रिपोर्ट थी, इस पर सवाल पूछना लाजमी नहीं है कि ममता सरकार ने क्या किया जो स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई थी? 100%। और क्यों ममता जी ने दोबारा से उनको अपॉइंट किया 4 घंटे के अंदर? लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर क्राइम सीन डिस्ट्रक्ट हुआ है जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, तो किसको अरेस्ट किया सीबीआई ने? चलिए आप दूसरे, आपने दूसरे मुलजिम को नहीं पकड़ा, और किसको अरेस्ट किया? क्राइम सीन डिस्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, किसको अरेस्ट किया उसमें? उसमें भी कुछ नहीं कर पाए, उसमें भी जिनको अरेस्ट किया कोलकाता पुलिस ने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखिए सीबीआई की, आप कॉम्पिटेंस देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सीबीआई इज करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी ठीक है, फिर जैसे ही पूनावाला जी, मतलब ये है कि राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कुछ करना है वो केंद्र को करना है, जो कुछ करना है वो सीबीआई को करना है, तो फिर सर बोल देना आकर ममता सरकार के, हमसे नहीं चल रहा है प्रदेश, आइए और हमारा प्रदेश संभालिए।